इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 11वें सीजन का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने अपने नाम कर लिया है। सीएसके ने रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही तीसरी बार धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब जीता है। टॉस हारकर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। यह स्कोर उनकी गेंदबाजी को देखते हुए काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन चेन्नई ने यह लक्ष्य 18.3 ओवरों में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। शेन वॉटसन ने शानदार सेंचुरी लगाई और टीम को बड़े आराम से चैंपियन बनाया। शेन वॉटसन ने 57 गेंद पर 117 रनों की नॉट आउट पारी खेली। मैच के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ एक फोटो शेयर करके सभी को शुक्रिया कहा। धोनी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, सभी लोगों को साथ देने के लिए और मुंबई को पीले रंग में रंगने के लिए शुक्रिया। शेन शॉकिंग वॉटसन ने हैरान करने वाली पारी खेली और हमें चैंपियन बनाया। जीवा को आईपीएल ट्रॉफी से कुछ लेना देना नहीं, उसको लॉन में दौड़ना है, ऐसा उसके शब्दों के मुताबिक। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 7वीं बार फाइनल में जगह बनाई थी, जिसमें तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। 3 बार आईपीएल खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके से पहले महज मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जिसने 3 आईपीएल खिताब जीते हैं। आगे और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीडी न्यूज़ चैनल को।